सो ही गाइस, वेलकम बैक टू लकी क्लासेस। तो चलो यार, अब बढ़ते हैं अपना एक्सरसाइज 6.1 को ढोते ढोते आगे के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं पहले की वीडियोस में, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 और 20। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव है, आगे के हमारे क्वेश्चन अलग है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके थे पर फिर भी पढ़ देते हैं। तो है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो भाई ग्राफ को एक तो पढ़ते ये मत सोच रहे कि ग्राफ में बनाना है, यहाँ लिखा है इन ईच केस ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर हमें शो करना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 3 × 1 − x जो कि स्मॉलर है 2 × x + 4 के, स्मॉलर मतलब जिधर को छोटा होगा, मतलब जिधर को मुंह बंद होगा उसका वो स्मॉलर होता है, तो शायद बताइए सबको। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते थे 3 − 3x स्मॉलर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते 2x + 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2x को इधर ले आते हैं और 3 को उधर भेज देते हैं, तो −3x − 2x स्मॉलर 8 − 3, प्लस का 3 तो रह गया माइनस का हो गया, तो −3x − 2x − 5x स्मॉलर 8 में से 3 गए 5। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमें x को अकेले करना है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 5 से 5 गया 5 से 5 गया, −x smaller है 1 से। तो भाई देखो, x को कभी माइनस तो रखना नहीं है, तो माइनस को हम हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच का साइन जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो x जो है ग्रेटर हो जाएगा -1 के। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी, मैंने पहले की वीडियोस में भी समझा रखा है कि कैसे करना है, तो आप जाके चैनल पे देखो, स्टार्टिंग की वीडियोस में ये पूरा समझा रखा है कि कैसे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब जो x है हमारा वो ग्रेटर है -1 से, तो सबसे पहले तो नंबर लाइन बनाते हैं, एक बीच में रखते 0 1 2 3 तक ही रखते हैं, −1 −2 −3 बढ़ता जा रहा है, इसलिए एरो लगा देंगे। तो एक्स जो है हमारा -1 से ग्रेटर है, तो -1 से बड़ा, तो 0 1 2 3 ऐसे ही होगा, है ना, माइनस मतलब -1 से बड़ा है तो 1 2 3 ऐसे होंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे प्लस के इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें पता नहीं है। और एक बात, यहाँ पे जब एक्स है हमारा खाली ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम ऐसा गोला लगाते हैं जो कि अंदर से भरते नहीं है, मतलब डार्क नहीं करते, ऐसे ही बस सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 बस यही था, एक बार दोबारा समझ लो। यहाँ सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे एक्स को सिंगल करा है, एक्स की वैल्यू जो भी आई है हमारी उसे हमने नंबर लाइन पर शो करा है, अगर यहाँ पर इक्वल होता है तो हम इस सर्कल को डार्क करते, वरना ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 बस यही था, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो कि है x/2 जो कि ग्रेटर और इक्वल दोनों है 5x − 2/3 − 7x − 3/5 के। ठीक है, तो इजी लग रहा है, सो x/2 ≥ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 = 15। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 15 से करेंगे डिवाइड, तो कि 5 बचेगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 5x − 2 − 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x/2 ≥ 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x − 10 − 21x − 3 − 3 + 9 / 15। तो x/2 ≥ 25x में से 21x जाएंगे तो 4x −10 में से +9 जाएंगे तो −1/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 है इधर आके हो जाएगा, तो 15x ≥ 2 उधर जाएगा, तो 2 × 4x − 1। ठीक है, तो
फिफ्टीन एक्स ग्रेटर इक्वल टू को फोर से करेंगे तो एट एक्स माइनस टू। अब एट एक्स को इधर ले आते हैं तो फिफ्टीन एक्स माइनस एट एक्स ग्रेटर इक्वल माइनस टू। तो फिफ्टीन में से एट जाएंगे तो सेवन बचेगा माइनस टू। ठीक है, तो एक्स को हमें सिंगल करना है तो सबसे पहले तो हमें जो भी एक्स का कोफिशियंट है उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेवन एक्स अपॉन सेवन ग्रेटर इक्वल माइनस टू अपॉन सेवन। तो ये तो सेवन से सेवन कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन सेवन। तो जो एक्स है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल दोनों होगा माइनस टू अपॉन सेवन के। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर लाइन डालते हैं। ये नंबर लाइन होगी ज़ीरो माइनस सॉरी प्लस वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि माइनस टू अपॉन सेवन हमारा आएगा कहाँ। तो पहले भाई वो देख लो, हमारा डिवाइड कर लेते हैं तो टू है सेवन है, ज़ीरो पॉइंट लगा के ज़ीरो लेंगे तो टू ऑफ फोर्टीन सिक्स। तो भाई देखो 0.2 के आसपास कुछ आएगा, तो मतलब कि कुछ यहाँ मान लो आप इधर की साइड को। ठीक है, और यहाँ से बढ़ रहा है तो आगे की तरफ को बढ़ाते डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव की तरफ को बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी लिख देंगे और ये हमारा डार्क कर देंगे सर्कल, क्योंकि इक्वल भी है। ठीक है, देख लो भाई क्वेश्चन एक बार। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बस, और क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया हमारा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, बाय।